श्रीमद्भागवत स्कंद छः अध्याय चौदह श्लोक छप्पन त्वं तात नारहसि च मां कृपणामनाथं त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तं त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तं अंजस्तरेम भवता प्रजदुस्तरम यद्वंतम न याह्य करुणेन यमेन दूरम। उन देवियों ने विधाता की ओर लक्ष्य बनाकर कहा, निस्संदेह तुम अज्ञ हो, मूर्ख हो, बालिश हो या बुद्धिहीन हो, क्योंकि सृष्टि की संरचना करके अपने द्वारा प्रस्थापित मर्यादा का ही तुम हनन कर रहे हो। बड़ी विचित्र बात है कि माता पिता के जीवित रहते बाल गोपाल चल बसे, आयु की दृष्टि से तो माता पिता को ही पहले मरना चाहिए, लेकिन यह क्या हुआ, पल्ले पर खेलने वाला दुर्मुहा इकलौता पुत्र को ही तुमने प्राणहीन बना दिया, मृत बना दिया। सचमुच में तुम जीवों के शाश्वत शत्रु ही सिद्ध होते हो। अगर आप कहो कि जीव तो प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेते हैं, देह त्याग करते हैं या मरते हैं, तो तुम इस सिद्धांत पर ही अडिग बने रहो, फिर तुम्हारी आवश्यकता क्या है। प्रारब्ध तो जड़ है, कर्म विशेष का नाम ही प्रारब्ध है। जीवों के द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए शुभाशुभ कर्म जब फलोन्मुख होते हैं तब उन्हीं का नाम प्रारब्ध हो जाता है। प्रारब्ध को ही दैव भाग्य या अदृष्ट भी कहते हैं। तो कर्म ही फल दें, तुम्हारी क्या आवश्यकता है टांग अड़ाने की। अगर तुम कर्मों के द्वार से जीवों को फल देते हो, नियामक हो, तो तुम्हें इसका विवेक होना चाहिए कि पहले कौन मरे बाद में कौन मरे। अतः हमने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि तुम सामर्थ्यहीन या अल्प शक्ति संपन्न जितने जीव प्राणी हैं उनके शाश्वत शत्रु। अगर तुम कहो कि तुम्हारा स्नेह जो इस पुत्र के प्रति था और है वही तुम्हारे दुख में हेतु है, तो सुन लो विधाता है, हम माता पिता को स्नेह के बंधन में बांधने वाले भी तो तुम ही हो। इस पर तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि हम जीवों को स्नेह पास में तुमने बांध ही क्यों रखा है,
इसीलिए ना कि सृष्टि का क्रम चलता रहे, तेरी सृष्टि की गतिविधि कुंठित ना हो, अजस् रूप से चलती रहे। हम जीवों को पुत्र पुत्रादि के स्नेह बंधन में बांधने वाले भी तो तुम ही हो, इससे तो तुम्हारा ही प्रयोजन सिद्ध होता है कि सृष्टि चक्र स्नेह मोह के कारण अजस् रूप से चलता रहता है।